बोलो जोर से, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। और सनसेट भी इतना ब्यूटीफुल हो रखा है, देखो फोटो तो खिंचाना बनता है। पापा सीधा आगे चले गए। भाई आवे ने मार जाओ पापा तो बेन क्या ए सामने पार कर दो वहां पे। हां सामने बैठ जाओ, दो दो जने बैठ जाओ। हाय हाय बेन जी इधर नहीं जाएंगे। ये जाएगा 100 रुपया। 100 रुपए दो लोगों के 100 रुपए लेगा। उनको बिठाएंगे क्या? इधर आओ। पापा नहीं बोल रहे। आप आ जाओगे? हाँ मैं आ जाता। ठीक है बैठाओ। वहाँ लो बेन। अच्छा हाँ हम बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं। अरे बिल्कुल बैठ सकते हो। आया हूँ बेन। हाँ तो अभी मैं और मम्मी है ना ऊंट पे बैठ के नदी के उस पार जाने वाले और पापा पैदल चल के आएंगे। चलो मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ ऊंट पे बैठने के लिए। चलो चलो जाओ जाओ जल्दी। देखो कैसे आ रहे हो उधर से पैदल चल के। मजा आ रहा है मम्मी। बहुत मजा आ रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। हाँ और मैंने इससे बड़े बड़े राइड में बैठी हूँ तो मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मम्मी को डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। देखो पापा अभी तक आए ही नहीं। वाह कितना मस्त लगता है ना ऊंट पे बैठ के मम्मी। पापा थोड़ा जल्दी आओ ना फोटोज निकालने। हाँ बैठना ना। आप इस साइड से आओ, इस साइड से फोटो निकालो। अब हमारा चैलेंज ये है कि हमें कोई भी कंडीशन पे हमारे जेठालाल को ऊंट पे बिठाना है। आश बैठ गया। बड़ा मजा आया। दे दो उनको पैसे। ये लो आप भी प्रसाद खाओ। ये लो मम्मी। देखो ये जो 5 कुआ है ना, ये 5 पांडवों का 5 कुआ है। आओ दर्शन करते हैं। हम है ना बीच पे जाने वाले थे, लेकिन है ना पापा है ना पैसे बोल रहे गाड़ी में। तो है ना ये ऑटो वाले अंकल के पास है ना फोन पे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अभी हम है ना ऊंट पे बैठ के वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास। और देखो पापा भी बैठ गए ऊंट पे। तो फाइनली हमारे पापा को ऊंट पे बैठ